हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को टेंस और टेंस के डिफरेंट यूजेस के बारे में समझाऊँगी इसीलिए मैं आप लोगों के लिए टेंस के एक चार्ट तैयार किया है इस चार्ट को समझने के पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानना ज़रूरी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जो भाग होता है उसके साथ एस और इएस यूज़ होता है। For example, he plays football. He plays football. She goes to school on foot. It does not rain. पहला सेंटेंस में भर प्लेज एस यूज हुआ एंड सेकेंड सेंटेंस में शी गोज़ टू स्कूल ऑन फोर्थ गोज गो भर्ब का यूज़ हुआ देन इट डज़ नॉट रेन डू का यूज़ हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ यूज किया जाता है फॉर एग्जाम्पल ही और सी हैज़ रिटर्न ए story it has not drunk the water it ज़ बिन रेनिंग मॉर्निंग अब हम जानते हैं टेंस के डिफरेंट यूजेस के बारे में टेंस तीन प्रकार के होते हैं प्रेजेंट टेंस पास टेंस एंड फ्यूचर टेंस हर एक टेंस को फिर चार भागों में बांटा जाता है वो है इंडेफिनिट कॉन्टीन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज मेनली यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन यानी कि जो काम रेगुलर होता है या आदत से किया जाता है एज फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज फुटबॉल ही रीड्स बुक आई कोक फूड एट्सेट्रा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एक्शन हैपनिंग नाउ यानी कि अभी काम हो रहा है या चल रहा है फॉर एग्जाम्पल He is playing football. यहाँ is या are be verb use होता है and verb के साथ ing use होता है Present perfect tense is used for recently completed actions. यानी कि कोई काम अभी पूरा हुआ यह समझाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ प्लेड फुटबॉल और प्रजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैप का यूज़ किया जाता है हेज़ यूज़ किया जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही सीट के साथ एंड हैप की हैप यूज़ किया जाता है आई ओ यू दे का साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एंड एक्शन हुच बिगेन इन द पास्ट एंड एंड इज स्टिल कॉन्टिन्यून यानि कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है यो समझाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल

उसे व्यक्त करने के लिए पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज़ किया जाता है फॉर एग्जाम्पल ही प्लेड फुटबॉल पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज़ यूज फॉर पास्ट एक्शंस हुई कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट यानी कि पास्ट में काम शुरू हुआ और पास्ट में ही कुछ टाइम कंटिन्यू चल रहा था समझाने के लिए पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ किया जाता है फॉर एग्जाम्पल ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बी वर्ब वज एंड वेयर यूज़ किया जाता है और वर्ब के साथ आई एन जी यूज़ किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ यूज फॉर एन एक्शन हुई बिगेन इन द पास्ट एंड जस्ट फिनिश्ड इन द पास्ट काम पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही समाप्त हुआ यह अर्थ समझाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है एज फॉर एग्जाम्पल ही हैड प्लेट फुटबॉल पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड यूज़ किया जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस इज़ यूज फॉर एन एक्शन हुई बिगेन इन द पास्ट एंड वाज स्टील कंटिन्यूइंग इन द पास्ट यानी कि पास्ट में काम शुरू हुआ और पास्ट में ही कुछ समय तक जारी रहा फॉर एग्जाम्पल ही हैड बिन प्लेइंग फुटबॉल और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बिन यूज़ किया जाता है और भारत के साथ आईएनजी यूज़ किया जाता है अब जानते हैं फ्यूचर टेंस के डिफरेंट यूजेस के बारे में भविष्य में कोई कार्य होगा यह समझाने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाता है फॉर एग्जाम्पल ही विल प्ले फुटबॉल एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ल और शेल यूज़ किया जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ऐसा कार्य के लिए यूज़ होता है जो फ्यूचर में किसी खास टाइम पर होता रहेगा फॉर एग्जाम्पल ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल आप लिख सकते हैं बाय नोन टमोरू एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल बी और शेल बी और भर्ब के साथ आईएनजी यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज तब होता है जब कोई कार्य फ्यूचर में किसी निर्धारित समय पर समाप्त हो चुका रहेगा फॉर एग्जाम्पल ही विल हैव प्लेड फुटबॉल एंड आप लिख सकते हैं बिफोर द सन सेट्स ही विल हैव प्लेड फुटबॉल बिफोर द सन सेट्स एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और शेल हैव का यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ तब होता है जब कोई कार्य भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेगा जैसे ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर टू ईयर्स एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में विल हैव बीन और सेल हैव बीन एंड भाग के साथ भाग के साथ आईएनजी यूज होता है डियर फ्रेंड्स अगर टेंस के डिफरेंट यूजेस के बारे में आपका कोई डाउट है तो ज़रूर बताइएगा